बांग्लादेश अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। मानिकगंज सीमा पर 1000 से अधिक बांग्लादेशी जुटे, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये सभी। बीएसएफ ने सभी बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया। मतलब गजबा है, अब बांग्लादेश से आ सकता है इंडिया में? बिल्कुल आ सकता है। सबसे पहली शिकायत मुझे भारत के हिंदुओं से, कब तक सोते रहोगे यार, कब तक नींद में रहोगे? On 18th July, I saw it was like a war zone in Bangladesh. या 1 करोड़ हिंदू है तकरीबन बांग्लादेश में, जिसके साथ वो लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं आज की तारीख में। बांग्लादेश की सिचुएशन जितनी भी खराब है, वो पाकिस्तान से खराब नहीं है। ये बांग्लादेश के जो लोग हैं, ये बड़े अनएजुकेटेड लोग हैं, बड़े दिमाग से पैदल लोग हैं, और ये पाकिस्तानियों से भी बदतर है। एक ऐसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का भरा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए। वो खुशी मना रहे हैं कि शेख हसीना को हमने निकाल दिया, तो वो खुशी खुशी में मतलब हिंदुओं को भी मारते हैं, चलो आज मजा आएगा। हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते हैं ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया। लेकिन हमने ये चेहरा इनका कभी नहीं देखा था, लेकिन ये जो चीजें सामने आई दोस्तों, इसके बाद कन्फर्म हो गया कि वाकई में इनमें और पाकिस्तानियों में कोई भी फर्क नहीं है। लिहाजा इसको इस एंगल से देखना कि इन्होंने हमसे गद्दारी की, तो देखें इनका क्या हो गया। वो कुछ नहीं हुआ उनका, उनके जो खजाने हैं, जो उनके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डेली लाइफ है, ये चीजें उस सतह पे डैमेज नहीं हुई। बांग्लादेश में अगर हिंदुस्तान में बांग्लादेश में अगर ये खालदा की गवर्नमेंट बनती है, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनती है, या इस तरह की राइट विंग रिलीजियस गवर्नमेंट बनती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर गजवा हिंद सिर्फ पाकिस्तान के ये जो इलाके हैं यहां से खतरा नहीं है उसका, फिर बांग्लादेश से भी तो खतरा पैदा हो जाता ना गजवा हिंद का। राइट, समझने की कोशिश करें यार बात को, तो हम उसका मुकाबला करने के लिए कैसे तैयारी करेंगे? मतलब क्या तैयारी करना है? कहना है कि बांग्लादेश अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गजवा हिंद अब बांग्लादेश से आ सकता है इंडिया में? बिल्कुल आ सकता है। और ये आपका जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का, यहां से कब से आ रहा है वो, दाखिल हुआ हो रहा है कब से आ रहा है? लेकिन आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि आप उसको स्टेट बैकिंग होगी, आप स्टेट बैकिंग होगी, स्टेट बैकिंग होगी, और इधर पाकिस्तान में जीएचक्यू की बैकिंग है। कहां कहां लड़ोगे, कहां कहां लड़ेंगे हम? अभी तक हम ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, हमारी सेना कहां है, जनता की सेना कहां है? मुझे इंडिया की सेना से कोई लेना देना नहीं है, बीएसएफ से कोई लेना देना नहीं है, वो तनख्वाह लेते हैं, लड़ते हैं, बात खत्म हो गई। मैं जनता की सेना की बात कर रहा हूं। जनता की सेना कहां है? मलेशिया क्यों नहीं बन रही? जगह जगह सनातनियों की मलेशिया बननी चाहिए भाई। ये छोड़ दो कि टेबल टॉक करेंगे हम, वो है क्या है, पीसफुल हैं हम, शांति ओम शांति, ये छोड़ो इसको, वो उसका टाइम अलग होता है, और युद्ध जब सर पे आ जाए तो उसके तकाजे कुछ और होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत है कि सनातियों की जो है दफाई मलेशियाज बनाई जाए। आइस्कॉन टेंपल क्यों तोड़े तुम? क्यों तोड़े? वो आइस्कॉन टेंपल जो सोशल वेलफेयर कर रहा था और अरबों रुपए मुसलमान छात्रों को भी दे रहा था, भंडारा जब बन रहा था तो सिर्फ हिंदू नहीं खा रहे थे उसमें मुसलमान भी खा रहे थे बैठ करके। वो आइस्कॉन टेंपल जो लाखों बच्चियों की फीस दे रहा था शिक्षित होने के लिए, वो आइस्कॉन टेंपल जो लाखों मुसलमान बेटियों की भी शादी करवा रहा था और उनके इस्लामिक हिसाब से करवा रहा था, सिर्फ पैसे से मदद करके, आपने उसको तोड़ दिया, आपने उसको जला दिया, रेप किया है, और रेप करके उसका वीडियो भी बनाया है, वो विजुअल भी मेरे पास है शैला, आप नहीं दिखा पाइएगा चैनल पे, और आप खुद भी नहीं देख पाइएगा जिस हिसाब से एक छोटी बहन को कॉर्नर में बैठा करके बड़ी बहन का रेप किया है, कल की बात है, और फोटो खींचा है, उसके बाद फिर हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है,
वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते हैं ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया, हिंदू मंदिरों को जलाया है। इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा लिया है और जमायत इस्लामी ने बिहाइंड द कर्टेन अपने काम को अंजाम दे दिया है। मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे के खून बहाए हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की जानें ली हैं, मुसलमान के 56 मुल्कों ने एक दूसरे की बहू बेटियों के सलवार उतार करके बलात्कार किया है। अब ऐसी कश्मोकश में वो मुसलमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो हमेशा संविधान के हिसाब से अपने देश को चलाई, जो हमेशा कानून के हिसाब से अपने देश को चलाई, वो भारत नहीं आती तो कहां आती? क्योंकि उनको पता था, उनके शाला उनको पता था कि वो ईरान जाएंगी तो काट दी जाएंगी, वो पाकिस्तान जाएंगी तो 70 साल की उम्र में भी उनका बलात्कार किया जाएगा। उनको पता था कि अगर वो कतर जाएंगी तो पाकिस्तान के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कतर के कोने में बैठे हुए वो उसको छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, और मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूं आपको, धर्म खतरे में है। धर्म है क्या? हिंदू धर्म है क्या? हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, हमारी मंदिर, हमारी संस्कृति, यही सब तो धर्म है। लेकिन धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा वो उस धर्म को मानने वाले हैं, वो सनातनी है, वो हिंदू हैं, वो धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो रामायण है पूजनीय है, लेकिन रामायण पढ़ते हैं उनके दिल में पूजनीय है ना दोस्तों। इनको लाना पड़ेगा भारत में, इन हिंदुओं को लाना पड़ेगा, वरना ये वहां पे जो बौखलाए लोग हैं जिनको हिंदू सिर्फ ऐसा दिखता है कि एक टारगेट है, चलो, और कोई पूछेगा थोड़ा ना कि तुम उसकी 12 साल की 14 साल की बेटी को उठा के ले गए, क्यों करा तुमने? आपको क्या लगता है वो जेल जाएगा या उसकी बेटी रिकवर होगी? वो गई, उसके साथ जो सुलूक होगा, मैं बता रहा हूं क्या बोलूं मैं आपको। आई एम सो सैड टू हियर ऑल दिस एंड सी ऑल दोस वीडियोज। मैं डाल नहीं पा रहा वीडियोज, मेरी मजबूरी है। मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि यूट्यूब चलने नहीं देगा वो वीडियोज। और ठीक, मतलब इन द सेंस कि यार वो इतने वायलेंट वीडियोज हैं, आपने भी देखे होंगे, आप जाके देखिएगा, आपको पता लगेगा कितना ज्यादा वहां पर हिंदुओं के साथ करा जा रहा है। आपने बनाई ना जम्मू में, आपने विलेज डिफेंस कमेटीज बना दी है ना, वो को रेगुलर ट्रूप्स तो नहीं है ना, वो बनाई है ना आपने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। ये पूरे देश में बनाओ, पूरे देश में बननी चाहिए, हर मोहल्ले में बननी चाहिए। उठा उठा के फेंको, इनको बाहर निकालो,